हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल WS फैशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी ट्रिक पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और मार्केट बंद है, शॉप भी बंद हैं, तो हमें फ्रेम नहीं मिल रहे। तो आज मैं आप लोगों को ये लंच बॉक्स डिब्बी है तो इसका मैं आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम बनाना सिखाऊंगी कि आप घर पे कैसे फ्रेम बना सकते हैं। तो ऐसे डिब्बे हमारे घर में मौजूद ही होते हैं, तो सालन वगैरह डालने के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स बनाने के लिए, तो ये तो हमारे घर में मौजूद ही होते हैं। तो इसे हम कैसे फ्रेम बनाएंगे, एम्ब्रॉयडरी फ्रेम, बहुत ही आसान तरीका है। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलें देखें, आपको मैं अब फ्रेम बनाकर दिखाती हूँ। हमें इस तरह का कटर चाहिए। इसकी इस साइडों से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया इस तरह से। ये देखिए, ये आपने बिल्कुल इस तरह से कट कर लेना है इसको, इसके अंदर से। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे, इस जगह से, यहाँ से हम इसको कट करेंगे और हमने ये उतार लेना है, ये चीज़ यहाँ से। ध्यान से करें कि आपके हाथ पे ना ये लग जाए। इसको मैं इसी तरह से इधर से कट कर लूँगी। जी ये देखें, हमने इसको कितनी आसानी से उतार लिया है। ये देखें, इसको भी हमने निकाल लिया है और इसे भी। अब हम इसके ऊपर आपको कपड़ा लगा कर दिखाएंगे। ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, ये देखिए। अब हमने इसके ऊपर ऐसे लगाना है, ऐसे। और हमने इसको ऐसे लगाकर इसको ऐसे बंद कर देना है।
ये देखें कितना अच्छा फिट इसके ऊपर कपड़ा आया है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें आप बहुत, अगर आपके पास बड़ी डिब्बी है बड़ा फ्रेम बन जाएगा, छोटी है छोटी छोटा फ्रेम बन जाएगा, तो आप इसको घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। मेरी आप लोगों से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली में अपने दोस्तों में, तो उनको भी सिखाएं उनको भी दिखाएं ये ट्रिक।